के जब भगवान बुद्ध को, भंगी बुद्ध को, भगवा को, सुगत को, तथागत को, भगवान को या भागवान को जब ज्ञान प्राप्त होने वाला था, तो उससे कुछ समय पहले जहाँ बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ उन्होंने ध्यान लगाया था, साधना की थी, विपस्सना की थी, मेडिटेशन की थी और ज्ञान को प्राप्त किया था, तो वहाँ उन्होंने अपने लिए कुछ खाने का सामान भी इकट्ठा किया था। और जब वो आसन पर बैठने वाले थे तो वहाँ एक व्यक्ति जा रहा था जिसने उनको थोड़ी सी कुस दी थी। कुस का मतलब घास होता है, जो नोक वाली घास होती है उसको कुस बोलते हैं। तो थोड़ी सी उनको कुस दी थी, उस कुस का उन्होंने आसन बनाया था, यानी घास का आसन बनाया था बैठने के लिए। जंगल था वहाँ, तो क्योंकि अगर आपने बौद्धगया देखा हो तो निर्जना जो रिवर है, नदी है, वो बिल्कुल समतल होकर वहाँ बहती है, और जो बोधि वृक्ष का जहाँ हिस्सा है वो थोड़ा पास या ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 200 और 100 मीटर के बीच में वो रहा होगा वहाँ से। तो वहाँ जंगली जंगल थे चारों तरफ, क्योंकि पानी पास में बहता था तो जंगल होना स्वाभाविक है। तो घास पर वो आराम से बैठे, इसलिए उसको कुश आसन बोलते हैं। वो कुश आसन आज भी वहाँ पे देखने को मिल जाता है, उस घास का तो नहीं है मगर लोग बना के रख देते हैं। वो जो कुश है, कुश का एक कुछ लोगों का कुशवाहा भी बोलते हैं। कुशवाहा का मतलब ऐसा लगता है जैसे घास को काटने वाले या घास को लाने वाले लोगों को कुशवाहा बोलते हैं, मगर कुशवाहा उनको नहीं बोला जाता जो घास लाते हैं या घास को काटते हैं। जो कुशीनारा जगह है, यहाँ शय शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सै का हो रहा है। जो कुशीनारा है अभी, तो उसको कुशीनारा बोलते हैं या कुशीनगर बोलते हैं, मगर वो कुशी है। कुशीनारा जो जगह है वहाँ पर लोग रहते थे, उन लोगों को मल्ल बोलते थे। तो कुशीनारा में कुशवाहा लोग नहीं रहते थे, कुशवाहा नाम बाद में पड़ा, क्योंकि वहाँ का मतलब होता है लीडर, वहाँ का मतलब होता है नायक, वहाँ का मतलब होता है मुखिया, या वहाँ का मतलब होता है जो पथ प्रदर्शक हो, जो रास्ते को दिखाता हो। और अगर इसमें नय लगा दें कुशवाहन, तो घास को ले जाने वाला वाहन हो गया, वाहन हो गया, मगर ये वाह है कुशवाहा। तो कुशवाहा का मतलब हुआ कि जो लोग कुशीनगर में रहते थे वो मार्गदर्शक थे, पथ प्रदर्शक थे और रास्ता दिखाने वाले लीडर थे, नेता थे, जो मल्ल थे। मल्ल आपने सुना होगा, मल्ल युद्ध होता था, और मल्ल जो युद्ध होता था वो आज की डेट में जो कहा जाता है कि पहलवानों के बीच में मल्ल युद्ध होता है, मगर उस समय ऐसे युद्ध नहीं हुआ करते थे। उस समय ज्ञान के, प्रज्ञा के और समझ के युद्ध हुआ करते थे, जिसको मल्ल युद्ध का बोलते हैं, उनको बोलते थे मल्ल धम्म युद्ध, यानी कि धम्म में कौन कितना पारंगत है, इस बात का वो बढ़ाते थे एक दूसरे से चर्चा करके, एक दूसरे से वाद विवाद करके, कमियों को दूर करके, और एक दूसरे का ज्ञान बढ़ाते थे। ज्ञान बढ़ाने का यही एक तरीका था, क्योंकि ना तो कागज़ था, ना पेन था, ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल था, ना कोई स्लेट थी, ना कोई बत्ती थी, और ना ही अक्षर थे। अक्षर भी तब तक नहीं बन पाए थे, और थे भी तो बहुत छोटे छोटे से, जो इमोजिन में जैसे आजकल आते हैं, जैसे आजकल के चिन्ह होते हैं, वैसे करके वो आइकॉन में थे। तो मल्ल युद्ध होता था, मल्ल धम्म युद्ध, ताकि वो धम्म को आगे बढ़ा सकें। ये जो शब्द है कुश, आपने अगर ध्यान दिया हो तो कुश जो लोग थे, यानी जो मल्ला लोग थे, वो बहुत ज़्यादा पारंगत थे, इसलिए उनके नाम से कुशल पड़ा। यानी कि आप कुशल क्षेम जो पूछते हैं, ये कुश वहीं का है। कुशल क्षेम का मतलब है कि कुश माने उसके जो स्थिति थी वहाँ की, और क्षेम माने शांति, यानी कि जो कुशल माने निपुणता, जो उसमें वो निपुण थे और जिसमें वो व्यवहार में बहुत तेज थे, और क्षेम माने शांति, यानी कुशल क्षेम कैसी है, कुशल खेम कैसी है। बेसिकली शांति को पाली में खेम बोलते हैं, तो खेम का बाद में छ बना दिया तो कुशल क्षेम हो गया। ये कुशलता आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी, कुशलता जो आता है शब्द, ये वहीं कुछ लोगों से आता है,
कुश लोग का मतलब है जो व्यवहार में बहुत ज्यादा कुशल थे, उनको कुशलता बोला जाता है। ये जो मल्ल जो लोग हैं कुशी नारा के, नारा का मतलब शहर भी होता है, ये जो मल्ल लोग थे कुशीनगर के, ये इन मल्ल लोगों की एक बड़ी खास बात थी, ये हमेशा निशब्द रहते थे। जो इनके मुखिया थे, निशब्द का मतलब है मौन रहते थे, बोलते नहीं थे। मौन रहने की परंपरा विपसना के अंदर बहुत मुख्य है। अगर आपको ध्यान लगाना है, अगर आपको विपसना में कुछ प्राप्त करना है या निब्बान प्राप्त करना है, तो आपको मौन रह के, मौन से जो बोलने से व्रत रह के, मौन के साथ आपको साधना करनी पड़ेगी, तब आपको निब्बान आसानी से प्राप्त होगा। तो मल्ल लोग निशब्द रहते थे, निशब्द रहते थे, इसलिए इनमें बाद में कुछों का नाम निषाद भी पड़ा। निषाद जब बाद में शय शब्द आ गया, षटकोण वाला आ गया, तो इसको निषाद भी बोलने लगे। तो मल्ल या कुशवाहा या निषाद, ये तीनों एक ही शब्द हैं और इन तीनों का एक ही नाम है। यहाँ जो कुश के साथ में लव आता है, जिसको लव कुश बोलते हैं, कुश जो नुकीली घास होती है उसके ऊपर सर्दियों में जो बूंद आती है उसको लव बोलते हैं। पाली भाषा के अंदर और हिंदी भाषा के अंदर लव कुश का मतलब है घास के ऊपर जो ड्रॉप होती है, जो बूंद होती है पानी की, उसको लव बोलते हैं। इसलिए हमेशा लव के साथ में कुश चलता है और कुश के साथ में लव चलता है। ये एक छोटे सा साधारण शब्द का मतलब होता है। धन्यवाद।